कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मैंग टैग पर। मैं अतुल चौधरी आप सबका वेलकम करता हूं। तो आज एक नया वीडियो जीमेल ट्यूटोरियल का लेके मैं एक बार फिर से आ गया हूं। इस वीडियो में हम अपने जीमेल के जर्नल से आगे के सारे टैब्स को एक बार समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और मैं इस पर आप लोगों के लिए अलग अलग तरह के कंटेंट बनाता रहता हूँ, चाहे वो हो आपके लिए एक्सेल के वीडियोस, एआई से रिलेटेड वीडियोस, जीमेल, गूगल शीट्स, अलग अलग तरह के पर्टिकुलर ऐसा कोई टॉपिक जिस पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं वो भी वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं अपना ये वाला वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है कि जर्नल तक के हमने सारे टैब कर लिए थे, जीमेल के ट्यूटोरियल को हमने जाना था, जीमेल क्या होती है, कैसे बनाते हैं, पिछले दो वीडियोस में हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो आज हम आगे की चीज़ें समझेंगे। तो जैसे आगे सबसे पहले आपके सामने ऑप्शन आ रहा है लेवल का, जर्नल के बाद अगला ऑप्शन है लेवल। तो लेवल में यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहे हैं अलग अलग कुछ सिस्टम लेवल्स और शो और उनके हाइड करने के लेवल्स। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर स्टार्स और स्नूज, इम्पोर्टेंट, चैट, सेंड, शेड्यूल, अलग तरह के आपके सामने टैब बने हुए हैं। तो यही टैब हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रीन पे। तो अगर मुझे इनमें से किसी टैब को हाइड करना है, मैं चाहता हूँ कि स्नूज का टैब दिखाई ना दे, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जाके स्नूज को मैं हाइड कर दूंगा। जैसे ही मैं हाइड करूँगा तो देखिए यहाँ से स्नूज का टैब एकदम हट गया, और अगर मुझे उसे वापस लेके आना है तो मुझे यहीं पर जाके उसको शो कराना पड़ेगा। तो इसमें जो लेबल्स के अंदर ऑप्शन आता है वो यही है आपके लिए मेजर कि आप अपने टैब्स को हाइड रखना चाहते हैं, चाहे वो कैटेगरी वाइज हो चाहे वो लेबल वाइज हो, आप जैसे भी रखना चाहें उस तरह से आप यहाँ से उनको हाइड और शो करा सकते हैं। मैसेज को भी हाइड एंड शो रख सकते हैं, डिपेंड आपको किस मैसेज को करने हैं या किसको नहीं। उसके बाद नीचे जो आ रहा है क्रिएट लेबल। तो लेबल जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि लेबल कैसे क्रिएट करते हैं, सेम आप लेबल चाहे यहाँ से बाहर से क्रिएट करें चाहे यहाँ पर अंदर आके, दोनों का तरीका सेम है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में पिछले वीडियो का लिंक लगा दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे सामने आ रहा है इनबॉक्स। तो इससे पहला ऑप्शन आता है कैटेगरीज। कैटेगरीज यानी इनबॉक्स टाइप। तो जो चीज़ हमने स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पर गए थे, हमने यहाँ पर जाकर देखा था कैटेगरीज का ऑप्शन कि हमारी अलग अलग इनबॉक्स टाइप कैटेगरीज होती हैं। तो हमने इसमें आने आपको बताया था कि प्रायोरिटी की जो होती हैं इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं मल्टीपल, तो वही चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पर अभी डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, लेकिन आप चाहते हो इम्पोर्टेंट, फर्स्ट या अनरीड वाला, जो बाहर ऑप्शन थे वही ऑप्शन है। बस यहाँ पर हमें आप प्रायोरिटी को अपने हिसाब से बनाएं, तो कैसे बनाएंगे, प्रायोरिटी पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इम्पोर्टेंट और अनरीड, कि आप इम्पोर्टेंट और अनरीड में क्या क्या रखना चाहते हो। मैं अभी चाहता हूँ इम्पोर्टेंट के अंदर सिर्फ इम्पोर्टेंट मेल रहें, तो मैं इम्पोर्टेंट सेलेक्ट कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, इम्पोर्टेंट और अनरीड दोनों रहें, तो मैं दोनों सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि कितनी उस लाइन के अंदर वो शो हो, तो आप वहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं 10, 25, 50 जितने आपको रखना है। और रिमूव सेक्शन करना है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, हाइड सेक्शन करना है तो एम्प्टी हाइड भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टार का ऑप्शन आ रहा है कि स्टार में आप क्या रखना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली स्टार सेलेक्टेड है, आप अदर कोई रखना चाहते हैं तो अलग अदर रख सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन एम्प्टी आ रहा है, एम्प्टी यानी कि अब आप अपने हिसाब से रखना चाहते हैं। अब आपने यहाँ पे क्या किया कि मान लीजिए यहाँ पर आपने पहला ऑप्शन रखा इम्पोर्टेंट का, दूसरा रखा स्टार का, अब तीसरा आप रखना जो चाहते हैं अपने हिसाब से, कि आप रखना चाहते हैं कि सिर्फ इम्पोर्टेंट मेल रहे हैं, वहाँ पे अनरीड हैं और इम्पोर्टेंट दोनों आ रही है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट मेल चाहता हूँ। और उसके बाद अगला ऑप्शन मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि मेरे मोर ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पर मेरी जो बैंक के सेक्शन है उसमें से मुझे येस बैंक की मेल यहाँ पर चाहिए और एनीथिंग एल्स बाकी सब नीचे आ जाएगा। तो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जब भी मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपको इसमें कोई भी चीज़ कंप्लीट करनी है, चेंज करने के बाद आपको सेव चेंजेस पे जरूर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप सेव चेंजेस नहीं करेंगे तो आपका क्राइटेरिया उस तरह से चेंज होगा ही नहीं, तो वही आपको करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट ऊपर आ गई और जो अनरीड थी इम्पोर्टेंट के अंदर वो ऊपर आ गई। उसके बाद मैं अदर कैटेगरीज में जाऊँगा तो अगली कैटेगरीज मेरी स्टार की आ गई, उसके बाद मेरी इम्पोर्टेंट की कैटेगरी आ गई, एनीथिंग एल्स मेरा नीचे आ गया। तो जो जो कैटेगरी मैंने तैयार की थी वो सारी कैटेगरी ऑटोमेटिकली मेरी यहाँ पे शो हो गई। अब ये कैटेगरी अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन करके बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको उसकी किस तरह से नीड है।
ऑफिशियल वर्क में भी आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जाइए, अपने अपने सबसे कैटेगरीज क्रिएट कर दीजिए, अपने बॉस की, एमडी की, अपने सीईओ की, अलग अलग तरीके से, और उसके बाद उन कैटेगरीज को आप अपने हिसाब से रख लीजिए लेबल बना के। तो जब आप लेबल बना के अलग से रखेंगे तो आपको ईजिली होगा उनकी मेल को रीड करना और मैनेज करना। आपने अलग अलग कैटेगरी वाइज अगर मेल को डिफाइन कर दिया तो कैटेगरीज वाइज उसको मैनेज करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है उसके नीचे, इनबॉक्स अनरीड काउंट। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अनरीड आइटम इन फर्स्ट सेक्शन, अनरीड आइटम इन इनबॉक्स और अनरीड आइटम इन फर्स्ट सेक्शन और इनबॉक्स दोनों। अगर आपको इनमें से कहीं भी रखना है, जैसे मैं चाहता हूँ मेरा जो अनरीड आइटम है वो पहले ही सेक्शन में रहे, मेरे पहले ही सेक्शन में मेरे अनरीड आइटम रहें, दूसरे सेक्शन में ना रहें, या रहे इनबॉक्स के अंदर अनरीड आइटम, या दोनों में रहें, तो वो कैटेगरीज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जब आप यहाँ से उस कैटेगरीज को चेंज कर देंगे तो वो चेंजेस ऑटोमेटिकली आपकी मेल में यहाँ पर आपको शो होने लगेंगे। उसके बाद नीचे आता है रीड पेन, तो वही जो आपको मैंने पहले भी बताया था सेम वही है कि आप अपनी मेल को रीड करना चाहते हैं या तो आप नो स्प्लिट, मैं हमेशा नो स्प्लिट रहता हूँ, मैंने आपको बताया था कि क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रीड पेन कर दूंगा तो यहाँ पर होगा क्या, मान लीजिए मैंने राइट साइड में इनबॉक्स पे जाके कर दिया और इस पर क्लिक किया और सेव चेंजेस किए, तो अब एक चेंज मेरी मेल के अंदर होगा कि मेरे पास जिस मेल पे मैं क्लिक करूँगा उसको समझने के लिए राइट में एक बॉक्स आ जाएगा कि उस मेल के अंदर क्या कंटेंट है, वो कंटेंट मुझे राइट साइड पे मेरी मेल में हमेशा दिखाई देगा। तो ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरा कंटेंट यहाँ पर शो होगा मुझे राइट साइड में। डिपेंड करता है कि क्या कंटेंट है, हमेशा मेल में आपकी राइट साइड में शो होने वाला है वो आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, ऑटोमेटिकली आपको वो शो होगा। तो इसी तरीके से आप अपना कोई भी कंटेंट जो आपका है वो आपको इसमें शो होगा। उसके अलावा अगर आप उसको चेंज करके करते नीचे की तरफ, यानी ब्लो, अगर आप उसको नीचे जाके करते ब्लो वाले उस कैटेगरी में, तो ऐसा होता है कि ये जो अब रीड का सेक्शन है ये नीचे आ जाता है यहाँ पर, और आधी आपकी जो मेल रीड के लिए आती है वो ऊपर मेल से आती है और नीचे आपका रीड सेक्शन आता। डिपेंड करता है कि मैंने ये करा हुआ था राइट इनबॉक्स, अब मैं चाहता हूँ नो स्प्लिट, तो हमेशा नो स्प्लिट पर ही रखता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके आता है यहाँ पे मार्क इंपोर्टेंट, तो वही जो मार्क इंपोर्टेंट का ऑप्शन क्या होता है, ये जो मार्क इंपोर्टेंट का ऑप्शन है जो कलर वाला, ये आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर मैं यहाँ पर जाकर नो मार्क कर दूंगा तो ये मुझे नहीं आने वाला और मैं यहाँ से किसी भी मेल को मार्क इंपोर्टेंट में नहीं कर पाऊंगा। तो ये ऑप्शन आप अगर ऑन रखना चाहते हैं, नॉर्मली हर किसी को ऑन रखता है, बाय डिफॉल्ट जीमेल आपको सारे बेटर ऑप्शन करके देता है, लेकिन डिपेंड आपके वर्क के हिसाब से आप चेंजेस भी कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने आता है फिल्टर्ड मेल। तो फिल्टर्ड मेल आपको क्या करके देता है कि आपकी जितनी भी मार्क मेल हैं, यानी इंपॉर्टेंट मार्क आपने जितनी भी करी हैं, उन मेल को फिल्टर में आप करना चाहते हैं नहीं, उस फिल्टर को ओवरराइड कर देंगे अगर आप, तो मार्क मेल ऊपर नहीं आएंगी। अभी क्या होता है कि मार्क मेल आपकी दिखती हैं आपको अलग से, लेकिन अगर मैं ओवरराइड फिल्टर कर दूंगा तो जो मेरी मार्क मेल है और मैं सेव कर दूंगा तो जो मेरी इंपॉर्टेंट मार्क मेल है वो ऊपर नहीं दिखने वाली मुझे, और ना ही मैं उनको देख पाऊंगा जाके विदाउट इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो हमेशा क्या होता है कि जब भी मैं जाऊंगा तो मेरी मार्क मेल देखिए मुझे ऊपर ही दिखनी है। अगर मैं हटा दूंगा यहाँ से और डोंट कर दूंगा यहाँ से ओवरराइड फिल्टर, तो वो फिल्टर को ओवरराइड कर देगा जो मेरा फिल्टर है इंपॉर्टेंट का, और बाकी मेल्स को मेरा क्राइटेरिया वाइज रखेगा जिस तरह से वो आती है, मैं इंपॉर्टेंट कितना ही मार्क कर लूँ लेकिन मेरे इनबॉक्स में इस तरह से शो होने वाली नहीं है। तो हमेशा आप इसको रखिए डोंट, यहाँ पर डोंट ओवरराइड फिल्टर। उसके बाद हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं जो है हमारा अकाउंट और इंपोर्टेंट इंपोर्ट का ऑप्शन। अकाउंट और इंपोर्ट के ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है पासवर्ड चेंज, तो नॉर्मली आप अपनी जीमेल का पासवर्ड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पासवर्ड रिकवर करना है तो रिकवर भी यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा आपका है यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अदर गूगल सेटिंग, तो अदर गूगल सेटिंग पे प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा अपनी जीमेल सेटिंग खत्म होने के बाद, तो इसको हम अभी के लिए स्किप करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी उसके अंदर आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वो जीमेल का। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके आ रहा है यूज जीमेल फॉर वर्क। यूज जीमेल फॉर वर्क क्या होता है कि ये गूगल वर्क स्पेस की मेल आईडी होती है, यानी कि आप अगर देखेंगे आपकी मेल आईडी में एक डोमेन होता है हमेशा एंड में @gmail.com, तो आप गूगल वर्क स्पेस की मेल आईडी खरीद सकते हैं जो पेड होती हैं, उसमें आप अपने हिसाब से अपना डोमेन ले सकते हैं, जो आप में बहुत अलग अलग सिक्योरिटी फीचर इसमें गूगल के साथ आपको मिल जाएंगे। ये प्रॉपर एक डोमेन होता है, डोमेन को अभी मैं आपको नॉर्मली बताऊं कि बस यहाँ पर @gmail की जगह आप जो खरीदेंगे, मैं चाहता हूँ @atulchaudhary बन जाए तो @atulchaudhary.com बन जाएगा,
डिपेंड करता है आप कैसे बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अलग फीचर होता है जीमेल वर्क गूगल वर्क स्पेस का। तो वर्क स्पेस में हम स्पेशली कोर्स करेंगे, अपना पूरा प्ले लिस्ट बनाएंगे, तो आगे इस पर एक प्ले लिस्ट बन के आएगी, तो उसमें मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा। अभी के लिए अगर आपको कोई अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसके रिगार्डिंग, तो आप लर्न मोड पर जाकर देख सकते हैं। बाकी अगला ऑप्शन आ रहा है इंपोर्टेंट मेल और कॉन्टैक्ट। तो अब क्या होता है कि आपकी जीमेल है, आप अभी जीमेल पे यूज कर रहे हैं, लेकिन आपके पास याहू या हॉटमेल या अदर कोई मेल आईडी है, वेब मेल वगैरह, तो आप चाहते हैं कि आपकी उनकी मेल और कंटेंट जो है वो यहाँ पर भी आ जाए। तो वो कंटेंट्स जो है कॉन्टैक्ट्स वगैरह वो सारे आप यहाँ से आ सकते हैं। आपको इम्पोर्ट मेल पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा मेल आईडी डालने का। तो आप यहाँ पर अपनी वो मेल आईडी डालिए और कंटिन्यू करके उस मेल आईडी का पासवर्ड डालिए और यहाँ पर सेंड कर दीजिए। तो उसके बाद उस मेल आईडी का कंटेंट जो होता है वो कंटेंट्स यहाँ पर आ जाएगा, वो मेल्स यहाँ पर आ जाएंगी कैटेगरी वाइज, वो याहू हॉटमेल या अदर कोई अदर मेल है। तो उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके सामने दिख रहा है, सेंड एज अ मेल चेक, उसके बाद है चेक मेल फ्रॉम अदर अकाउंट। तो ये दो ऑप्शन में क्या होता है कि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है सेंड एज अ मेल, अब मेरे पास यहाँ पर जो मेल आईडी है, मेरी मेल आईडी ये है, यहाँ पर chaudhryatul@79 करके मेल आईडी है मेरी। तो इस मेल आईडी के अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ और कोई मेल आईडी भी ऐड करना, कि मैं चाहता हूँ कि मेरी जो अदर मेल आईडी है वो यहाँ पर भी मुझे शो हो, क्योंकि जब मैं मेल करूँ तो इसी मेल आईडी से करूँ और उस मेल आईडी को भी सेलेक्ट करके यहाँ से मेल भेज दूँ, मुझे ऐड अनदर मेल आईडी पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर वो मेल आईडी डालूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और सेंड वेरिफिकेशन कोड जाएगा मेरी उस मेल आईडी के ऊपर। उसके बाद मैं वो वेरिफिकेशन कोड जैसे ही वहां पे एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद वो मेल आईडी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ये इस तरह से कुछ ऐड हो जाएगी। अभी यहाँ पर वेरिफिकेशन पेंडिंग है बस। तो जब क्या होगा, जब मैं कभी भी यहाँ पर ऐड कर दूंगा, मैं मल्टीपल आईडीज यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, तो अब जब मैं कभी किसी को मेल करूंगा, अब मैं जब भी एक नई मेल बनाकर किसी को मेल करूंगा, यहाँ से आपको चेंज करने का ऑप्शन आएगा अपनी जीमेल आईडी, यहाँ से आपको अपनी मेल आईडी चेंज करने का ऑप्शन आएगा सेंड मेल में। तो आप सेंड मेल चेंज कर सकते हैं, या अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं किसी की मेल का, मान लीजिए आपने एक मेल ओपन करी और उस मेल का आपको रिप्लाई करना है, आप यहाँ पर अब इसको रिप्लाई करना चाहते हैं, तो अब आप चाहते हैं कि किस मेल से रिप्लाई हो आपकी मेल का, तो वो रिप्लाई मेल भी चेंज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जब भी आपके उसमें ओपन होगा, जब आप यहाँ जाकर सेंड मेल में अपनी मेल ऐड कर लेंगे, तो इससे क्या होगा आपकी मल्टीपल मेल आईडीज एक ही जगह पे आप मैनेज कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, मैंने भी अपनी 2-3 मेल आईडी ऐसे ही मैनेज करी हुई है, क्योंकि आपके पास ये नहीं है कि आप अलग अलग मेल आईडी जाके खोल के देखें, या फ़ोन में आपने खोल के रखी है, फ़ोन के यूजर इंटरफेस में और लैपटॉप या सिस्टम के यूजर इंटरफेस में बहुत फर्क होता है। उसके बाद अगला ऑप्शन आ रहा है चेक मेल फ्रॉम अदर अकाउंट, सेम ऑप्शन। अब आप यहाँ पर अभी सिर्फ मेल भेज रहे थे, अभी आपको चेक भी करनी है, यानी वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी मेल मर्ज कर लीजिए, सारी मेलें एक ही मेल के अंदर आएंगी। तो सेम प्रोसेस आपको करना होगा, ऐड मेल के ऑप्शन पे जाके अपनी मेल आईडी डालिए, वहाँ पर जाके वेरिफिकेशन कंप्लीट कर दीजिए, उस मेल पे मेल जाएगी, वेरीफाई कर दीजिए। जब आप वेरीफाई कर देंगे तो वो मेल भी आपकी इस मेल के साथ यहाँ पर मर्ज हो जाएगी, और उसके बाद उसकी भी सारी मेल्स आपको यहीं पर दिखने वाली हैं आपके इनबॉक्स के अंदर ही, आपके इनबॉक्स के अंदर ही यहाँ पर उस मेल की सारी मेल्स आपको यहीं पे दिखेंगी। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जीमेल का, इसके लिए आपको कोई पेड जीमेल या कुछ अदर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा ऑप्शन आपको इसी मेल के अंदर इजीली यहाँ से आप कर सकते हैं। तो सेंड ईमेल और चेक ईमेल दोनों बहुत ही जरूरी ऑप्शन है, तो आप इनको अपनी मेल में जरूर एक्टिव करिए, अपनी मल्टीपल मेल आईडीज को एक ही जगह पे यूज करिए। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ से जनरेट एक्सेस फॉर योर अदर अकाउंट। तो ये वही है, आपने अदर अकाउंट जब ऐड कर दिया, तब आप चाहते हैं कि मार्क आपने जो मेल आई है उसको रीड कर दिया, अगर आपने इस मेल से उसको रीड कर दिया, तो आपकी जो मेन मेल है अगर आप कभी उसमें एंटर करें आईडी पासवर्ड डाल के, तो वहां पर वो आपको अनरीड दिखाई दे या ना दे, वो ऑप्शन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन सिंपल है, अगर आपने उसको रीड कर लिया, आपने यहीं से रिप्लाई कर दी, यहीं से सब कुछ आप कर रहे हैं, तो आपको ऑप्शन चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमेशा आप इसको रीड पर रखिए। आपने मान मेल यहाँ पर चेक करी, आपने वो मेल या अपनी उस एक्चुअल मेल आईडी में जाके चेक करी, सेम बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने मेल यहाँ पर परमिशन के थ्रू ही लेके आए। तो आप इस ऑप्शन को हमेशा दोनों में शो एज ए एड्रेस पर्सनल पर रखिए और मार्क एज ए कन्वीनियंस पे रीड पर रखिए।
उसके बाद अगला ऑप्शन आता है एड्स एडिशनल स्टोरेज। तो एडिशनल स्टोरेज क्योंकि जैसी हमारी मेल आईडी होती है हमें 15 GB स्टोरेज मिलता है फ्री मेल एड्रेस के अंदर। अगर आप डोमेन वाली मेल आईडी लेते हैं उसमें आपको 30 GB, और डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेस खरीद रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे होती हैं और आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा स्पेस में जाके। तो अभी के लिए आप यहाँ पर इसमें परचेज एड्रेस में ये जाम कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर फिल्टर और ब्लॉक का। तो ये वो ऑप्शन है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब आपने अपने अलग अलग फिल्टर्स क्रिएट कर दिए उनमें आपको कोई चेंजेस करने हैं या ब्लॉक करने हैं, आप किसी की मेल आईडी ब्लॉक कर देते हैं। मैं अपनी मेल पे गया और मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर मेल को उठा के ब्लॉक कर दिया। मैं अपनी मेल में गया और मैंने यहाँ किसी भी मेल को पर्टिकुलर उठा के मैंने यहाँ से उसको ब्लॉक कर दिया। तो जैसे ही मैं उसको ब्लॉक करूँगा तो वो ब्लॉक मेल आईडी मुझे दिखने वाली है मेरे फिल्टर एंड ब्लॉक के एड्रेस के अंदर। मेल आईडी मुझे देखिए यहाँ पर दिख गई मेरी ये मेल आईडी, मैंने इसको ब्लॉक कराया तो वो ब्लॉक में दिख गई। तो अब यहाँ से अनब्लॉक मैं यहीं से कर सकता हूँ इसको हमेशा। उसके अलावा आपने जो फिल्टर्स क्रिएट करे हुए हैं वो फिल्टर्स आपकी मेल पे दिख जाएंगे, तो वो आप फिल्टर यहाँ से एडिट डिलीट जो आप करना चाहते हैं वो रख सकते हैं यहीं से। मैनेज आप दोनों चीज़ें यहीं से कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है फॉरवर्डिंग OPO और IMA। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ होती है फॉरवर्डिंग, यानी कि सबसे पहले एड फॉरवर्डिंग एड्रेस। फॉरवर्डिंग यानी आप किसी की मेल को फॉरवर्ड करना चाहते हैं या किसी मेल को फॉरवर्ड करना चाहते हैं पर्टिकुलर। आपके पास एक अपनी आईडी की मेल है किसी अदर आईडी पे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऐड टू फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर मेल आईडी डालेंगे। तो जब आप मेल आईडी डाल देंगे तो उसके बाद ये एक वेरिफिकेशन करवाएगा आपसे, यानी आपकी सेम मेल पे जाके कुछ ऑथराइजेशन लेगा आपसे, यहाँ पर कंफर्मेशन लेगा कि या दैट इज करेक्ट या नो। आपसे वेरिफिकेशन लेगा, आप यहाँ पर जाके अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। सारा प्रोसेस वेरिफिकेशन का कंप्लीट करने के बाद जैसे आप वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो जो मेल आईडी आपने यहाँ पे डाली है आप चाहे तो सिर्फ मल्टीपल मेल ही करा सकते हैं। आप यहाँ पे फिल्टर क्रिएट कर लीजिए। फिल्टर क्रिएट करना यानी कि सिंपल आपने यहाँ पर सर्च कर दिया सब्जेक्ट में, मैं यहाँ पर यस बैंक सर्च कर देता हूँ और मैंने यस बैंक का एक फिल्टर क्रिएट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इस बैंक की मेल जो आती हैं वो ऐड फॉरवर्ड हो जाएं, ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे लेके आएगा। अब मैं यहाँ पर बस एड्रेस डालूँगा, उस मेल एड्रेस को डालूँगा तो मेरी इस बैंक रिलेटेड की जो भी मेल्स आएंगी ऑटोमेटिकली उसी मेल पे फॉरवर्ड हो जाएंगी। पिछले वाले अकाउंट के सेक्शन में हमने किया था कि हमारी सारी मेल्स हम यहाँ पे फॉरवर्ड करा रहे थे दूसरी मेल से, या उस मेल को ऐड करके यहाँ से मेल कर रहे थे। लेकिन अगर मैं पर्टिकुलर कोई सेक्शन करना चाहता हूँ, पर्टिकुलर किसी बस एक पर्टिकुलर मेल की मेल्स या अदर 4-5 मेल की मेल ही करना चाहता हूँ, तो वो मैं ऐड फॉरवर्डिंग के एड्रेस में जाके इजीली कर सकता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है OPO डाउनलोड और IMAP एक्सेस। तो अब ये क्या होता है, पहले तो आप समझ लीजिए कि OPO का मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और IMAP का मतलब होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप जब अपनी मेल आईडी, जो POP का जो ऑप्शन है ये आपका सिर्फ एक डिवाइस यूज करने पे काम करेगा। अगर आप अपनी मेल आईडी सिर्फ एक ही डिवाइस में चला रहे हैं, या तो अपने सिस्टम में PC में या कहीं और सिर्फ एक ही डिवाइस में, तो POP का ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। होता क्या है कि आपकी कोई भी मेल आई तो वो ऑटोमेटिकली अगर आपने POP इनेबल किया हुआ है तो वो मेल आपके उस सिस्टम की हार्ड ड्राइव में सेव होगी। लेकिन अगर हमारा IMAP एक्सेस ऑन होता है तो वो मेल जो है Gmail के सर्वर में जाके एक्सेस में जाके सेव होगी। तो फ़र्क क्या है इन दोनों के बीच में, जो Gmail का जो सर्वर होता है, Gmail का जो सर्वर है कि अगर आपसे गलती से मेल डिलीट हो गई या आपने डिलीट करी है और आपको वापस चाहिए तो आप Gmail के सर्वर अकाउंट में लॉग इन करके उस मेल को वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर वो मेल आईडी आपने अपने POP में सेक्शन में इनेबल करी हुई थी और आप चाहते हैं कि किसी और को वो ना हो, डिलीट हो गई तो परमानेंटली डिलीट होगी, आपके सिस्टम के सर्वर में मिलेगी, वो सिस्टम के सर्वर में जब मिलेगी जब आपने POP इनेबल किया होगा तभी आपको सिस्टम के सर्वर में वो मिलने वाली है। तो POP इनेबल आप तभी उसी केस में करेंगे जब आप एक ही मेल आईडी एक ही सिस्टम या एक ही फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं, नहीं तो हमेशा ऑटोमेटिकली IMAP पे ही चलाएंगे इंटरनेट सर्वर पे। आप मल्टीपल वे में यूज़ करेंगे और POP भी हमेशा ऑन रखेंगे तब, तो
तो आप उसी डिवाइस में उस मेल को यूज कर पाएंगे, कहीं और यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमेशा आपको करना क्या है कि इनेबल रखना है आपको IMAP अपना हमेशा, इसके अलावा किसी और ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। उसके बाद अगला ऑप्शन जो यहाँ पर आता है वो अब आ रहा है एडऑन्स का। तो अलग अलग मेल आईडीज के एडऑन्स होते हैं जिसमें हम पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे जब हम अपने एडऑन्स लगाएंगे, तो इसको अभी हम स्किप करते हैं। एडऑन्स क्या होता है, हमें कुछ एडऑन्स लगाने होते हैं अलग अलग तरीके के अपनी मेल को बेटर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर हम POP में एड्रेस भी POP एडऑन्स में भी लगा सकते हैं एडऑन्स, जिसमें कि हमारी मेल के सर्वर में हो, लेकिन उसके लिए हमें एक एडऑन लगाना पड़ेगा, एक थर्ड पार्टी ऐप को कनेक्ट करना पड़ेगा मेल आईडी के थ्रू। तो वो हम कर सकते हैं इसमें, लेकिन उसके लिए हम बाद में करेंगे इस चीज़ को प्रॉपरली में। तो अभी हम इसको स्किप करते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है चैट एंड मीट का। तो आप यहाँ पर गूगल चैट और गूगल मीट के जो ऑप्शन होते हैं, जो मैंने आपको बताए थे कि गूगल का अपना खुद का जीमेल चैट होता है, उसके अलावा आप मैसेज मीट भी कर सकते हैं। गूगल मीट जो वीडियो कॉल होती है, वीडियो मीटिंग होती है वो, ये दोनों अगर आप जीमेल के साथ कनेक्ट रखना चाहते हैं, हाइड ऑफ या रखना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर ऑन करना या ऑफ करने का ऑप्शन यहीं से मिल जाएगा। मैंने अभी ऑफ करी हुई है, नहीं दिख रही मेरी मेल पे, तो ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ से ऑफ करी हुई है। अगर ऑन करेंगे तो आपको बस गूगल चैट पे जाके ऑन करना है, यहाँ से यहाँ जाके इनेबल कर सकते हैं अपनी ऑफलाइन मेल को इनेबल करने का। जब भी आपका इंटरनेट सर्वर इशू हो या कोई प्रॉब्लम आएगी आपके इंटरनेट में, तो आप अपनी मेल पे प्रॉपर वर्किंग कर सकते हैं। किसी को मेल करनी है तो मेल टाइप करके रख सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। जैसे ही आप ऑनलाइन आएंगे वापस, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी, यानी ऑफलाइन मोड भी आपकी मेल काम करेगी। उसके अलावा थीम्स का ऑप्शन है, तो जो नॉर्मली मैंने आपको स्टार्टिंग में भी दिखाई थी कि थीम्स आप यहाँ से नॉर्मली सेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ भी हैं। बाकी का वीडियो इसमें मैंने सारी चीज़ें आपको पर्टिकुलर एक्सप्लेन कर दी हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम आए, कुछ इशू हो, तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको प्रॉपरली दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा सारी चीज़ें। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।